दोस्तों आपने ये बात कभी ना कभी नोटिस की होगी कि बिल्ली को आप कभी भी थोड़ी ऊंचाई से अगर उल्टा करके जमीन के ऊपर छोड़ देते हो तो वो पैरों के बल ही गिरती है। लेकिन क्या आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है, और क्या आपको पता है कि कॉकरोच का सर आप धड़ से अलग कर दे तो भी वो कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन कैसे? और दोस्तों साथ में आपको ये तो पता ही है कि दो पड़ोसी देशों के बीच में उनकी बॉर्डर की वजह से कितना तनाव निर्माण होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे दो पड़ोसी देश है जिसकी बॉर्डर एक घर के बीच में से जा रही है। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग बातें जाननी है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। हम लेके आए आपके लिए क्यूरियोसिटी चैनल पे 7 इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स, जिसे जानकर आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। तो क्यूरियोसिटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का ये क्यूरियस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 7 से। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि हम ये जो पेट्रोल डीजल कोल यानी कि कोयला यूज करते हैं ये सभी लिमिटेड रिसोर्सेस है और ये कभी ना कभी खत्म होने वाले है। इसीलिए साइंटिस्ट अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम एनर्जी बना सके। इसमें से एक तरीका है सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का यूज करना। अपने सोलर पैनल्स कई बार देखे होंगे जो कि सूरज से आने वाली किरणों से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं। ज्यादा करके आपको पेट्रोल डीजल और कोयला ही यूज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि हमारी धरती पर एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी एनर्जी की जरूरत पूरी तरह से सोलर एनर्जी से पूरे करने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रदेश का नाम है टकेलाव, जो 3 आइलैंड मिलकर बना है। और 2012 में टकेलाव को एक ऐसा नेशन डिक्लेयर कर दिया गया जो अपनी एनर्जी 100% रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बनाता है। इस सोलर पावर से पहले टकेलाव अपनी एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए पूरी तरह से डीजल का इस्तेमाल करता था। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो जनरेटर यूज होते थे उसमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता था। टकेलाव को हर साल भारी मात्रा में डीजल इंपोर्ट करना पड़ता था जिसकी कॉस्ट लगभग $1 मिलियन होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया। इस सोलर प्रोजेक्ट में 4032 फोटोवोल्टेइक पैनल्स, 392 इन्वर्टर्स और 1344 बैटरीज का यूज किया गया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से टकेलाव ऐसा नेशन बन गया है कि जो अपनी पूरी एनर्जी सोलर पावर सिस्टम से बना सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये था फैक्ट नंबर 7। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। दोस्तों कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका घर में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन ये लगभग हर घरों में पाया जाता है। इन्हें घर से भगाने के लिए न जाने हमें क्या क्या करना पड़ता है, और तभी भी इनसे हमें पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिलता। और आज आप इन कॉकरोचों के बारे में एक ऐसा फैक्ट जानने वाले जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों साइंटिस्ट की स्टडी से ये सामने आया है कि अगर कॉकरोच का सिर धड़ से अलग कर दिया गया तो भी वो कई हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, और क्या आप गेस कर सकते हैं कि आखिर कुछ हफ्ते बाद ये बिना सिर वाला कॉकरोच मरता है तो वो किन कारणों की वजह से मरता होगा? ब्लड लॉस होने की वजह से? नहीं दोस्तों। तो फिर सांस रुक जाने की वजह से? बिल्कुल नहीं। या फिर उसका ब्रेन बॉडी से अलग हो जाने से? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तो आपको ये जानकर झटका लग जाएगा कि ये सिर अलग किया हुआ कॉकरोच भूख और प्यास की वजह से मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच की बॉडी ऐसी बनी होती है कि उसका सिर धड़ से अलग होने से उसकी ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो, नर्वस सिस्टम पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। बस उसे सर न होने की वजह से वो कुछ खा पी नहीं सकता है। इस वजह से एक दो हफ्ते के बाद भूख और प्यास की वजह से ये कॉकरोच मर जाता है। ये था फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के वीडियोस हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उस पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बढ़ते आगे की फैक्ट की तरफ। दोस्तों हमें हमारी लाइफ जीने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमारा शरीर बनाता है। जो भी हम खाते हैं उससे एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन हवा से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े करते हैं। आपको ये तो पता होगा कि हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारा राइट लंग हमारे लेफ्ट लंग से बड़ा होता है? आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये एक फैक्ट है। हमारा लेफ्ट लंग छोटा होता है हमारे राइट लंग से, और इसका कारण ये है कि हमारा हार्ट हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, और हार्ट को उस जगह पे फिट करने के लिए हमारा लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये था फैक्ट नंबर 5। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग बिल्ली पालते हैं। अगर आपके घर में भी पालतू बिल्ली होगी तो आपने ये बात तो नोटिस की होगी कि बिल्ली हमेशा पैरों के बल ही गिरती है। अगर आपने बिल्ली को पैर ऊपर रखकर उल्टा भी नीचे गिराया तो भी वो पैरों के बल ही गिरती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बिल्ली ऐसा क्या करती है कि वो पैरों पर ही लैंड होती है? न्यूटन के लॉ के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी मोशन कंटिन्यू रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अगर बिल्ली को हवा से छोड़ने के बाद उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो अपनी डायरेक्शन खुद से चेंज कैसे करती है? दोस्तों इसका जवाब मिला स्लो मोशन वीडियो की वजह से। साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिखा कि जब बिल्ली को थोड़ी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तब बिल्ली का सिर पहले नीचे जमीन की तरफ घूम जाता है,
उसके बाद बिल्ली की रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट होती है, जिस वजह से बिल्ली की बॉडी के ऊपर का आधा हिस्सा जमीन की तरफ घूम जाता है और उसके बाद नीचे का आधा हिस्सा जमीन की तरफ मुड़के बिल्ली आसानी से पैरों के बल लैंड करती है। और ये पॉसिबल होता है बिल्ली की स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और ये क्षमता बहुत कम प्राणियों में पाई जाती है। ये था फैक्ट नंबर 4। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वो ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह समा जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो जुपिटर ग्रह है उसके ऊपर जमीन ही नहीं है? हाँ, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा ग्रह दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हो जमीन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि गुरु ग्रह एक गैस का गोला है, वहाँ पर कोई जमीन नहीं है। साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक गुरु ग्रह एक गैस जायंट है जो कि सिर्फ गैसेस और लिक्विड से मिलकर बना है। यानी कि हमें जो कुछ भी दिखता है वो जमीन नहीं, वो बड़े बड़े बादल है जो घूम रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट घूमने वाला ग्रह है। जुपिटर खुद का एक चक्कर 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो ये था फैक्ट नंबर 3। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी आपकी बॉडी पर जख्म होती है या फिर डैमेज होता है तब आपको दर्द होता है। ये होता है पेन रिसेप्टर्स की वजह से। पेन रिसेप्टर्स ये ऐसी नर्व्स होती है जो ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि आपको दर्द हो रहा है। और ये हमारी बॉडी की सिस्टम है जो हमारे बॉडी को डैमेज होने से बचाती है, क्योंकि अगर आपको पेन महसूस ही नहीं होगा तो आप कुछ एक्शन ही नहीं लोगे और बॉडी का ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, यानी कि ब्रेन पेन यानी कि दर्द को फील नहीं कर सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि न्यूरोसर्जन पेशेंट को बिना दर्द पहुंचाए ब्रेन की सर्जरी कर सकता है, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी करते समय पेशेंट को ब्रेन में दर्द फील नहीं होता। तो ये था फैक्ट नंबर 2। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि दो पड़ोसी देशों में बॉर्डर होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है, लेकिन दुनिया में कुछ अजीब बॉर्डर है जिन्हें देखकर ये लगता ही नहीं कि ये दो कंट्री को अलग अलग कर रही है, जैसे कि यूएस मैक्सिकन बॉर्डर। इस इमेज में दोस्तों एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ मैक्सिको है, और यहाँ पे आपको जो बॉर्डर दिख रहा है वो इतना छोटा है कि आप बता ही नहीं सकते कि ये दो देशों को सेपरेट कर रहा है। और ऐसे ही बर्लिन नेसाउ बॉर्डर दुनिया का एक अजीब बॉर्डर है, जो बॉर्डर बेल्जियम और नीदरलैंड ये दो कंट्री को सेपरेट करता है। ये बॉर्डर शहर के सड़कों पर भी दिखाई देती है। इस बॉर्डर की एक खास बात ये भी है कि ये बॉर्डर एक मकान से होकर गुजरती है जिसका आधा हिस्सा बेल्जियम में है और आधा हिस्सा नीदरलैंड में है। तो है ना ये अजीब बात दोस्तों। तो ये थे 7 रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे जानकर आपका दिमाग चकरा गया होगा, और आपको ये फैक्ट्स जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आया तो आपने लाइक बटन पे ऑलरेडी क्लिक किया होगा, नहीं किया तो आप कीजिए। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल पे और भी रैंडम फैक्ट्स रिलेटेड हमने वीडियोस अपलोड किए जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो भी देख लीजिए। हम मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्यूरियस भी रहिए।